हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो फॉर स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस। आज मैं दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो खास कर लाया हूं, क्योंकि आज दिल्ली पुलिस का पेपर है और दिल्ली पुलिस के दो शिफ्ट का पेपर हो चुका है और तीसरे शिफ्ट का पेपर होने वाला है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के एक ही कमेंट आ रहा है बार बार कि एक बार इस पर वीडियो बना दिया जाए, ताकि इस वीडियो की थोड़ी एनालिसिस हो जाए क्वेश्चन की, क्या किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा सेफ में रख सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपको सेफ कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। हम इसी तरह की पूरी जानकारी इस वीडियो पर देने वाले हैं। लेकिन जो अभी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। बात ये करते हैं कि पहले बात करते हैं कितना सेफ स्कोर हो सकता है इस दिल्ली पुलिस के पेपर में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर जैसा कि पिछले साल हुआ था, इस बार फिर हो रहा है, तो इस बार वैकेंसी थोड़ा सा जो इंक्रीज हुई है, तो इस बार वैकेंसी 7,500 स्टूडेंट्स। एक ही बात कहना चाहते हैं, अभी पेपर स्टार्ट हुआ है, अभी पेपर को काफ़ी दिन चलना है, तो इस वजह से आप सेफ स्कोर को ना देखें, क्योंकि बस अपने आप पढ़ाई पर फोकस करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। लेकिन फिर भी जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे, इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो हम एक अपनी तरफ से एक आंकड़ा रख देते हैं कितना इसमें सेफ स्कोर हो सकता है। दोस्तों, सेफ स्कोर की अगर हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, तो अगर 70 से आप 75 कर रहे हैं जनरल होके, तो आप थोड़ा बहुत सेफ में हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते, आप एकदम सेफ में रहना चाहते हैं, तो आप 75 के ऊपर ही रहें, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ हो सकता है। वही हम STSC वालों की बात करें, तो STSC वालों के लिए 70 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा है और इसमें जिस तरह से वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज़्यादा आई है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इस वजह से ध्यान रखते हुए कि STSC वाले OBC वाले 70+ के ऊपर ही रहें, और खासकर EWS और जनरल वालों के लिए 75 के ऊपर ही रहें, सेफ स्कोर तभी माना जाएगा। और बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की बात करते हैं, इसके पहले शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट की, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे गए, थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं सेकंड की बात की जाए, तो थोड़ा सा मॉडरेट से भी कम लेवल के आए हैं, कहने का मतलब थोड़ा सा इजी आया है पहले सीजन का, या यूं कहें पहले शिफ्ट का पेपर जो था वो दूसरे शिफ्ट का पेपर काफ़ी इजी था पहले शिफ्ट के मुकाबले। लेकिन अगर हम पहले वही बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चन परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, CISI से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वहीं हम बात करते हैं LCM SCF की, तो वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप एडवांस मैथ की तरफ ज़्यादा नया ध्यान दें, ज़्यादा कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा नॉर्मली अगर आप मैथ पढ़ लेते हैं तो आपका निकल जाएगा। और वहीं हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में नॉन वर्ड बहुत ज़्यादा कम पूछे जा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बात है नंबर सीरीज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये लोग, और यहाँ पर भी जो कोशिश कर रहे हैं बच्चे की 22-23 क्वेश्चन आराम से इसमें हो जा रहा है रीजनिंग में, तो इस तरह घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम वही बात करते हैं इस तरह GK की, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है इस एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं माना जा सकता, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट बना हुआ है सभी बच्चों के लिए। वही हम बात करते हैं GK के किस तरह क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, GK के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टैटिक GK से 10 से 12 क्वेश्चन लगातार इसमें हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं स्पोर्ट्स भी यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, IPL से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अभी हाल ताज में IPL खत्म हुआ था अप्रैल में, तो इस तरह के क्वेश्चन उसमें लगातार पूछे जा रहे हैं, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जहाँ तक बात करते हैं संविधान से मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, दोनों शिफ्ट में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निर्दिष्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसमें वाद्य यंत्र जो होता नहीं है वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन लगातार ही पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से GK बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल भी नहीं कह सकते, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आप सिर्फ 2 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर आराम से निकल जाएगा, 7 से 8 क्वेश्चन, आप कहीं ना कहीं 9 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दोस्तों, वो टॉपिक दोनों हैं MS Word और MS Excel, अगर MS Excel और MS Word पर जो जिसकी अच्छी कमांड होगी वो इस क्वेश्चन को वो इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकता है, वो अच्छे से क्रैक कर सकता है। दोस्तों, ज़्यादा न घबराते हुए जो पहली बार एग्जाम को दे रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा काम रहिए और आराम से पेपर दीजिए। अगर अच्छा पेपर नहीं जा रहा तो ज़्यादा हाइपली नहीं होना है, आने वाले दिनों में GD की वैकेंसी भी आ रही है, उसमें ट्राई करिए, लेकिन हाँ कोशिश करिए कि आराम से पेपर दें और ज़्यादा हाइपर नहीं होने का,
बस थोड़ा रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, क्योंकि पेपर क्लियर करने के लिए थोड़ा आपको रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन के लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा हाइपर ना होइए और बहुत ज़्यादा पूरी तरह से डरिए मत, कहने का मतलब। तो आप कुछ अच्छे से पेपर दीजिए, और जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो कैसा लगा, चैनल पर अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी अमेजिंग फैक्ट इस चैनल पर लगातार हम देते रहते हैं दोस्तों।